ठगी जा रही है सामने से, पर नजारा चेक करे नजारा कहाँ पे आ गया, क्या जन्नत है, लुक्स कुछ ऐसा रहने यार। कल हम लोग को ना ऐसा रोड मिले नीचे सीढ़ी बाबा, अरे बाबा यो मैम, दिस इज योर बॉय डॉक मार, वेलकम बैक टू माय ऑल ऑफ वीडियो। निकल रहा हूँ चेरापुंजी के लिए, आज जितना हो सके लोकेशन कैप्चर करने पड़ेगा चेरापुंजी का, बिकॉज आज हम लोग का शिलोंग में लास्ट डे है, फिर लोकेशन विजिट करने हैं। जैसे करके टेंशन में हूँ थोड़ा, और कुछ नहीं उतना टेंशन लेके फायदा नहीं है, जो होना है वो हो गए होगा। चलो फाइनली पैक हो चुके हैं, बीच भी रेडी है, हिमालयन बीच भी रेडी है, अभी निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं सीधा रोड में। क्या बोलती, अभी थोड़ा मूड ठीक नहीं है इसलिए ऐसा वॉइस निकल रहा है। जय श्याराम, हे महादेव। तो गाइस किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे 51 किलोमीटर, 1 hour 31 minutes लगेगा। जैम चेक करो गाइस, ये आपका सिटी का बाहर है। लिविंग रोड ब्रिज में अगर चला जाए, सेवन सिस्टर वाटरफॉल और मौसमी कैप तो जरूर दिखाऊंगा। प्रॉब्लम अब सॉल्व करने पड़ेगा वो अलग बात है, बट ये तो मेरा एकदम इम्पोर्टेंट है, मैं जैसा करके भी एक दिन एक्सटेंड करूंगा और आप लोग को जरूर दिखाऊंगा, श्योरिटी दे रहा हूँ। मुझे तो देख के डर लग रहा है, हो रहा भाई, क्या कर रहा है ये बंदा यार, ऐसा बचका नहीं हरकत मत करो यार। चेरापुंजी राइट साइड से नीचे चला जाएगा, डाउकी आपका लेफ्ट साइड से ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही है, सीधा ही आते रहना। डाउकी का रूट है राइट साइड में आपका चेरापुंजी, लेफ्ट साइड से ऊपर जाने से डाउकी मिल जाएगा। तो गाइस चलो आगे निकलते हैं हम लोग भी, सीन चेक करें, बोले तो एकदम बुमबाम। एक बात तो मानने पड़ेगा यार, चेरापुंजी का ना रोड जो है ना एकदम मस्त वाला रोड है यार, मस्त वाला, बोले तो एकदम फुल मक्खन। जैकेट स्वेटर लगा क्या है, यहाँ का वेदर ना कब चेंज हो जा रहा है ना पता ही नहीं चल रहा है, कभी धूप लग रहा है तो कभी एकदम ठंडा वाला सीन दे रहा है क्या। क्या बोला मैंने यार, रोड का फिकर मत लीजिए, रोड एकदम मक्खन है मक्खन। आप लोग आइए एंजॉय कीजिए, गूगल मैप ऑन कीजिए, बस राइट कीजिए और कुछ नहीं। क्लाइमेक्स देखिए यार, फुल चेंज हो चुका है, स्वेटर जैकेट फॉर्म मटेरियल लगा के आया ना, ये तो प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि चेरापुंजी का क्लाइमेक्स ऐसा है ना, कब गर्म लग रहा है और कब ठंड, पता ही नहीं चल रहा है, फॉगी जा रहा है यार सामने से। चेरापुंजी हम लोग एंट्री मार रहे हैं फाइनली यार गाइस, एकदम बोले तो बुम्बा। तो गाइस चेक कीजिए, चेरापुंजी एंट्री मारते मारते चेरापुंजी का मेन चर्च यही रहा, एक ही आपका पेट्रोल पंप मिलेगा और यही है चेरापुंजी का पेट्रोल पंप, फिल अप कर लीजिएगा फुल, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। गाइस चेक कीजिए बिरू, फाइनली हम लोग चेरापुंजी पहुंच गए। चलो स्टार्ट करते हैं लिविंग रूट ब्रिज के लिए, यहाँ से 21 किलोमीटर है और 57 मिनट देगा, स्टार्ट करते रहे बाबा, बस नजारा चेक करे नजारा। चेरापुंजी जब पहुंचेंगे स्टैंड से राइट साइड ले लीजिएगा, यहाँ पे फैक्ट्री है आपका, देख सकते हैं ये फैक्ट्री क्रॉस कीजिएगा, आप लोग को राइट करके भी इतना मजा आएगा बता नहीं सकते, आप लोग जब आएंगे राइट करेंगे ना तो आप लोग को पता चलेगा, अरे वाह क्या जन्नत है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए ओमकार ब्रिज, और ऐसा टाइम में सीढ़ी है, लुक्स कुछ ऐसा टाइम में है, डबल डेकर ब्रिज तो अलग है। तो चेक करें गाइस, यहाँ पे भी आया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि सामने है ये भी 30 rupees पर पर्सन का, 30 rupees कैमरा का और 10 rupees बाइक पार्किंग का लग जाएगा। तो जा रहे हैं डबल डेकर ब्रिज में, फाइनली पहुंच गए डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, चेक आउट दिस प्लेस, ऐसा टाइम है लोकेशन कुछ ऐसे लेके आना जरूर, और लोकेशन कौन सा है ना मैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि आपको घूमना ना पड़े, क्योंकि हम लोग बहुत घूमे यार इसके लिए, ठीक है। हम लोग निकले थे 12 बजे, तो घूमते घूमते भी बज रहे तीन घंटा घूमने पड़ा हुआ भाई, तो हम लोग शिलोंग से निकले थे वो बात अलग है, बट तब भी 3 घंटा क्या ही बोल सकते हैं, अब टाइम बहुत चला गया, ठीक है। आपका टाइम लॉस ना हो ही चाहते यार गाइस, मैं लोकेशन जरूर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यहाँ पे नीचे आ रहा है देखो नाम, वो नाम सर्च करना तो आपको मिल जाएगा ये लोकेशन। अभी बाइक का पार्किंग का चार्ज देने पड़ेगा, बट कैश नहीं है तो जीपे का जुगाड़ कर रहे हैं, और नेटवर्क भी बहुत खराब है यार यहाँ पे, चेक करें यही एंट्री है और हम लोग यहीं पे रुक गए हैं, ठीक है। तो कल एकदम बुमबम ट्रेकिंग होगा एकदम, क्या बोलती है बुमबम हो गए, तो जाने का टाइम जरूर काउंट करूंगा, तो देखते कितना सीढ़ी है आप लोग को भी बताऊंगा। यहाँ से निकलने का टाइम सेवन सिस्टर वाटरफॉल दिखाएंगे आप लोग को, उसके बाद मौसमी केव होके बैक हो जाएंगे। कल हम लोग को ना ऐसा रोड मिलेगा रे बाबा, और यहाँ पे होम स्टे है, ठीक है, तो होम स्टे जा रहे हैं अभी। यहाँ से देखो नीचे सीढ़ी बाबा, अरे बाबा बहुत नीचे है, ग्रीन लैंड होम स्टे है और नंबर भी यहाँ पे है, चेक कर लीजिए गाइस। थैंक्स अ लॉट कृष्णा भैया को भी, अच्छा लगा क्योंकि वो भैया बोला आज यहीं पे स्टे कर ले, कल यहीं से निकल जा, ये बूट लगाए तो और भी नहीं जा सकते यार। कल हम लोग शूज लगाएंगे, ट्रैक लगाएंगे और फुल कम्फर्ट होके जाने पड़ेगा, नहीं तो फट जाएगा हम लोग का। ये रहा होम स्टे, ऐसा टाइम में लुक से डिनर भी आ चुका है, ये आलू का सब्जी है, दाल यहाँ पे सैलेड है, यहाँ पे डिम का पोच है, और टोटली यहाँ पे रिजर्व हो चुका है, देखो यार फुल बोले तो बूम माम, क्या बोलती है माम। आपका नाम क्या है ब्रदर? यू से लुमलांग, लुमलांग ओके। ये प्लेस का नाम क्या है, लोकेशन? तरना
गाइस आप लोग जब भी आएंगे ना मेघालय तो जरूर यार डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज जरूर विजिट करने, कल सुबह हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। नाम सही डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप लोग जब भी आएंगे यहाँ पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। अच्छा है होम स्टे और एकदम क्लीन है ये, और 500 करके पर बेड ले रहा है, फूडिंग का चार्ज अलग है। ये बाद में देखो यार बुक कर। बोले तो बुम मम क्या बोलती मामे, डिनर मस्त था, आप लोग भी आइए विजिट कीजिए एंजॉय कीजिए, सबसे बेस्ट होम स्टे लगा मुझे। सुबह उठने पड़ेगा, डबल डेकर के लिए ट्रैकिंग है और 7000 स्टेयर्स हम लोगों को कंप्लीट करने पड़ेगा, तो सुबह उठने के लिए जल्दी सोने पड़ेगा। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।